ट्रीटमेंट ऑफ बोलेमा नरवोसा फार्माकोलॉजिकल एंड बिहेवरल थेरापी सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट के फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट जो हैं uh, वो यूज़ की जाती हैं बोलेमा नरवोसा के ट्रीटमेंट के लिए थ्रू डिफरेंट कंट्रोल स्टडीज इट वॉज फाउंड के ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट जो हैं जिनको एंटी डिप्रेशन दी गई थी दे फील रिकवर्ड उसमें से भी 67% परसेंट जो पेशेंट थे आउट ऑफ 40, उनमें से 67 की जो थी वो बनजीटिंग जो थी वो बेटर हुई थी एंटी डिप्रेसेंट से और ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट जो पेशेंट थे उनकी जो वामिटिंग की कंप्लेंट्स थी वो बेटर हुई थी ठीक है तो एंटी डिप्रेसेंट जो है इसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन होती है साइकेट्रिस्ट की

नॉर्मलाइजिंग ईटिंग पैटर्न का मतलब ये है कि हम क्लाइंट का जो ईटिंग पैटर्न है उसे स्ट्रक्चर करेंगे उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि उसने दिन में तीन मील लेने हैं या चार मील लेने हैं जिनके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है जो कि डिफरेंस ऑफ टाइमिंग है वो थ्री थ्री आवर्स होने चाहिए ठीक है और उसने स्मॉल पोर्शन में मील लेना है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में मील नहीं लेना और इफ़ द क्लाइंट इज़ वांट टू बी आ हैव स्नैक्स हैं तो उसको वो जो स्नैक्स हैं उनके लिए भी उसमें क्वेश्चन रखना है इसके साथ साथ यू नीड टू बी एक्सप्लेन द क्लाइंट कि वो जो भी फ़ूड लेना चाहता है वो 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 फूड ले सकता है ठीक है तो जो उसका जो पैटर्न है ईटिंग का कि एक वक्त बैठेगा और बहुत ज़्यादा खा लेगा इस चीज़ को हमने ब्रेक करना है किस तरीके से पूरे दिन में कि जिसमें उसने थोड़ा 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 करके जो है वो खाना है देन हम बात करेंगे मील प्लानिंग की अब मील प्लानिंग क्या है कि मील प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं अब मील प्लानिंग का मतलब है कि आप जो हो वो पूरे वीक के लिए प्लान कर सकते हो आपने कब क्या खाना है ये सोच सकते हो ठीक है कि जिस तरह अब जो फैमिली है उसको उसमें हम इन्वॉल्व कर लेते हैं आप फैमिली को जब हम इन्वॉल्व करते हैं फिर हम कहते हैं कि यू नीड टू बी प्लान योर मील अहेड यानी आपने रात को क्या खाना है उसको जो है फाइंड आउट करो इस पूरे वीक में क्या क्या कुछ खाना है उसको प्लान आउट करो देन जो सारे फैमिली के मेंबर्स हैं दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड ईट टुगेदर देन जो स्कूल के लंचेस हैं उसके अंदर क्या लेके जाना है उन चीज़ों को जो है वो डिवाइड किया जाए इट इज़ समथ कि जो फूड uh, है जब आपने आपको पता होगा कि इस दिन इस टाइम पे मैंने ये फूड लेना है तो दैट्स हेल्प यू टू डिक्रीज योर बिंचिंग आपको ये पता होगा कि अच्छा अगर आज मैं चॉकलेट नहीं खा रहा तो मैंने कल चॉकलेट खानी है या अगर आज मैं एक बजे चॉकलेट नहीं खा रहा तो मैंने आज के दिन ही पाँच बजे चॉकलेट खानी है तो इस तरह वो जो बिन बिन चिंटिंग का फिनमिना है वो जो है वो ओवरकम हो सकेगा उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शंस ऑप्शंस में क्या होता है कि यू विल टॉक अबाउट द थिंग्स कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं ऐसे फूड्स हैं जो कि बच्चा जो है वो ले सकता है और आप उसके फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं इसी तरह वो चीज़ें जो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में रखना चाहते हैं लाइक like, ओके okay, जो फूड है आ, अगर आप आ, बच्चा जो है वो चॉकलेट लेना चाहता है और आपको पता है कि ये इसके लिए कैविटीज़ माउथ में डेवलप करेंगी या ये इसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है बट आप उसको आ, वो लेने देते हो वंस इन अ वीक और उसमें ये है कि बच्चे को वो चीज़ डिफाइन भी की गई है ठीक है तो वो जो चीज़ें हैं वो स्नैक्स जो कि आप लेना चाहते हो उनको भी आपने लिस्ट में ऐड करना है उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना देन जो आप बच्चे को आपने साथ साथ ये भी बताना है कि उसने अपना अगर वेट रिड्यूस करना है तो उसका जो फूड है वो किस टाइप का होना चाहिए ताकि जो उसका वेट है वो हेल्दी रहे और उसकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा फूड इनटेक की वो भी ओवरकम हो सके ताकि जो गिल्ट और शेम की फीलिंग है वो डेवलप ना हो ठीक है उसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसमें आपने मेनली ये बताना होता है कि कौन सा फ़ूड लेके उसको कितनी न्यूट्रिशंस मिलेंगी उसकी बॉडी का जो टोटल कैलोरी है वो कितनी उसको मैक्सिमम रिक्वायर्ड है इसके साथ साथ आपने उसको ये भी बताना है कि वो जो वॉमिट आउट कर रहा है उसका इफ़ेक्ट नहीं है वो इनफेक्टिव है क्योंकि जो फूड आप एक दफ़ा ले लेते हो वो पूरी तौर पर आपकी बॉडी से इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ठीक है तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने उसे न्यूट्रिशनल एजुकेशन में एक्सप्लेन करनी है देन उसका ये बेंच और पर्ट साइकिल को एंड करने के लिए ये उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि जो उसके अंदर डिज़ायर फॉर हैविंग फूड आती है अगर ये उसको थोड़ी देर कंट्रोल कर ले तो ये इम्पल्स ख़त्म हो जाती है ठीक है तो जब हम उसके साइकिल के ऊपर काम करेंगे और हम उसे ये कहेंगे ओके okay, अगर आपने फूड लिया है एंड नाउ यू फील लाइक टू गो एंड वामिट सो यू नीड टू बी वेट आपने रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करनी है एटलीस्ट वन मिनट टू मिनट थ्री मिनट फोर मिनट इस तरह आपने उसका टाइम एक्सपेंड करते जाना है इस तरह से जो वो वामिट आउट कर करना चाहेगा वो उसको फाइनली आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर सम टाइम Uh, जो प्रॉब्लम uh, है uh, वो उसका ख़त्म हो गया है यानी डिजायर फॉर गोइंग टू वॉमेट आउट ठीक है तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उसका जो साइकिल है बेंच और परजिंग का वो जो है वो ब्रेक हो सके थैंक यू